तो बेटा एक माँ का वादा है आपके साथ, मैं शीर हद तक जाऊंगी चाहे मेरी जान चली। तो इंशाल्लाह ताला मुझे मीदा मिलेगा। जब मैंने पुलिस को देखा तो यकीन जाने मैं अपने काबू में न रही। यही सियालकोट की पुलिस जो मोहाली मुहाफ़िज़ थी, इन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, मेरे गिरे बाल में हाथ डाला, मेरे चादर खींची गई, बाल खींची गई। मैं जब भी इनको देखूंगी ना, यकीन करो मेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा डर जाओ माँ की बददुआ से, डर जाओ। मैं बस यही पैगाम देना चाहती हूँ कि डर जाओ, अल्लाह की लाठी दे, क्या बड़ी दी आवाज़ है। तो मैं उम्मीद है कि मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अगर इन्होंने मेरे बेटे को 48 घंटों में बाहर ना लेके आए तो फिर देखें आगे से क्या हो। अच्छा माँ जी, ये बताइएगा, माँ जी ये बताइएगा कि काफी दिनों से बेटा गायब है और कोई पैगाम भेजा हो, आपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं कि आप विड्रॉ कर लें, आप इलेक्शन ना लड़ें, कोई इस तरह का कोई पैगाम आपको मसूल हुआ हो, इस हवाले से थोड़ा थोड़ा बता दें। अगर वो मुझे गिरफ्तार करते तो मेरे अपने जमीर की आवाज़ थी ना, मैं कहती मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं खड़ी हूँ, मैं तो खड़ी हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ एक टैक्टिक, एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है कि वो स्टेप डाउन कर दे इलेक्शन। अच्छा माँ जी, चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं कि जिनका कोई प्यारा अगवा हुआ है, गुमशुदा हुआ है, वो मेरे पास आए। आप चीफ जस्टिस के पास नहीं जा रही हैं, आप हाई कोर्ट आ रही हैं, तो चीफ जस्टिस जब बुला रहे हैं तो आप क्यों नहीं जा रही वहाँ पर, क्यों नहीं जाके बताती? एक मिनट में सारी कहानी बाहर आ जाएगी। मेरी बात, मैं इधर से अपना इंसाफ देखूं, मैं इंशाल्लाह ताला उनके पास भी जाऊंगी। तो बेटा एक माँ का वादा है आपके साथ, मैं शीर हद तक जाऊंगी चाहे मेरी जान चली।